हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास में कि नितिन भैया, कुछ गाड़ियों के ऊपर, आप बाइक्स पे ही ब्लॉग करते हो तो गाड़ियों पे क्यों नहीं करते हो। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार इसको भी ट्राई किया जाए। एक गाड़ी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है होंडा की ही, विच इज़ नोन एज द होंडा एलिवेट। तो आज उसका एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूँ, 10 रीजंस व्हाई होंडा सिटी इज स्टिल अ बेटर बाय देन होंडा एलिवेट। तो आज इसके ऊपर करेंगे पूरी बात। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये अश्योरेंस ज़रूर देता हूँ कि आपको वो चीज़ें ज़रूर बताऊँगा जो आपको किसी भी यूट्यूबर ने अब तक गाड़ी के बारे में नहीं बताई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, आओ शुरू करते हैं। कंपैरिजन वीडियो है ना आपके लिए, जो मैं लेके आया हूँ वो ये है कि why यू शुड स्टिल कंसिडर अ होंडा सिटी ओवर अ होंडा एलिवेट। देखिए, मैं किसी ब्रांड की या किसी गाड़ी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से आप आज भी होंडा सिटी को चुने और होंडा सिटी एक बेहतर चॉइस होगी आपके लिए। सबसे पहली पॉइंट, रीसेल वैल्यू। होंडा एलिवेट इज टू न्यू इन द मार्केट, किस तरीके का रिस्पांस होगा नहीं पता। बट ये जो आपके सामने खड़ी है होंडा सिटी, इसका रिस्पांस पिछले 25 साल से हिंदुस्तान की जनता को पसंद था, है और आगे भी रहेगा। बहुत सारी गाड़ियां आईं, बहुत सारी गाड़ियों ने कोशिश करी इस गाड़ी को अपने थ्रोन से हटाने की, लेकिन कोई भी इसको हटा नहीं पाया। क्या वो वरना हो, क्या क्लाविया हो, क्या वो वर्टस हो, आज भी हिंदुस्तान की पहली पसंद होंडा सिटी ही होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू आपको एलिवेट से हमेशा ज़्यादा मिलेगी। अब ये देखिए, एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाता है कि आप कहोगे मुझे तो गाड़ी बेचनी नहीं है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अमूमन एक आम हिंदुस्तानी 5 साल गाड़ी लेता है लोन पे, 5 साल चुकाता है, 3 साल और चलाता है और तकरीबन 8 साल के बाद वो गाड़ी जो है ना वो एक ओके टाइप्स रेंज में चली जाती है, स्पेशल रेंज से, और फिर वो उस गाड़ी को बदलने का टाइम आ जाता है। तो रीसेल आपको हमेशा होंडा सिटी की बेहतर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू होंडा एलिवेट। पॉइंट नंबर टू। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर टू जानने के लिए ना मैं आपको इंजन बे खोल के दिखाता हूँ, तब आप समझ पाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये गाड़ी आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है As compared to the Honda Elevate। आओ इधर आओ, आगे की तरफ आओ। अब आपको यहाँ पे क्वार्टर पैनल्स दिख रहे हैं। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ जाना और खुद देख के आना। अब यहाँ पे आपको क्वार्टर पैनल के नीचे दिख रहा है कितनी सॉलिड इंजीनियरिंग की गई है यहाँ पे, यहाँ पे, उस साइड देखो, उस साइड थोड़ा सा खुला हुआ है, ये देखो इंजीनियरिंग दिख रही है आपको कितनी सॉलिड की है होंडा ने यहाँ पे क्वार्टर पैनल के नीचे। ये देखो फ्रंट फेंडर के अंदर, सॉरी क्वार्टर पैनल इज़ द रॉन्ग वर्ड, फ्रंट फेंडर, ये देखिए यहाँ पे, इसी की जगह पे, ये देखो अगर मैं इसको हिलाऊँ ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पूरी गाड़ी हिला सकता हूँ मैं लेकिन इस फेंडर को नहीं हिला सकता। अब जाना होंडा एलिवेट में और सिर्फ यहाँ पे ऐसे करके टच करना, यहाँ से लेके पूरी हेडलाइट तक सब कुछ हिलता है। पता है क्यों? सिर्फ 2 पत्तियाँ हैं ऐसे करके लगी हैं, ऐसे करके यहाँ पे 2 पत्तियाँ लगी हैं जिस पे ये पूरा फेंडर टिका है। तो गाइस, इन एन इवेंट ऑफ अ क्रैश आपका ये फेंडर और आपका ये हेडलाइट दोनों जाएगी। अब ये देखो, क्रैश मेरा भी हुआ था कुछ दिन पहले, एक ऑटो आके भिड़ गया था। ये देखो, क्या गाड़ी में कहीं कुछ गया, क्या हेडलाइट गई, लेकिन ये देखो ये ऑटो भिड़ गया था, तो सिर्फ ये देखो ये ज़रा सा बम्पर पे स्क्रैचेस आए थे। तो होंडा एलिवेट में ये नुकसान आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो, ये हो गया पॉइंट नंबर टू। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ,
होंडा एलिवेट में एक फीचर बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड फीचर है, जिसको कि हम कहते हैं एडास, जिसे होंडा सेंसिंग भी कहते हैं। तो सिटी में ले लो ना मेरे भाई, होंडा एलिवेट में आपको वो फीचर मिलेगा ZX मॉडल में, लेकिन अगर आप होंडा सिटी लेते हो तो आपको V मॉडल से मिलना शुरू हो जाएगा वो। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा आपको, 12.39 लाख रुपीज़ में भी आपको एडास मिलेगा। सिर्फ SV मॉडल में नहीं आता है, V मॉडल में आपको एडास मिलेगा, VX में भी मिलेगा, ZX में भी मिलेगा। जाके चेकआउट कीजिए। चौथा मेजर पॉइंट जो कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूँगा कि एक फ़र्क डालेगा आज नहीं तो कल, वो है जो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है ना मेरे भाइयों, सस्पेंशन जो यूज़ किया गया है दैट इज़ ऑन अ सॉफ्टर साइड, जिससे कि बॉडी रोल को अवॉइड किया जा सके। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप गाड़ी चलाओगे और सस्पेंशन और सॉफ्ट होना शुरू होगा ना, गाड़ी में हैवी बॉडी रोल आएगा, कोई नहीं रोक सकता। देखिए फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए की आती है, वो बॉडी रोल नहीं रोक पाई। महिंद्रा भी स्कॉर्पियो N ले लीजिए, चाहे आप थार ले लीजिए, बॉडी रोल आता है। क्योंकि जब बॉडी रोल आता क्यों है, अब आप समझिएगा, मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा, मैं किसी की बात को कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है। बॉडी रोल इसलिए आता है कि देर इज़ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस व्हीकल। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जब आप गाड़ी को हाइट रेस करते हो तो गाड़ी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आती है। ऊपर आती है तो बॉडी रोल आएगा ही आएगा, कोई जितना मर्जी आपको कहे कि बॉडी रोल नहीं आता है, डेफिनेटली गाइस आता ही आता है। पांचवा पॉइंट, अगर आप बेहतर स्टेबिलिटी चाहते हैं गाड़ी की तो होंडा सिटी से बेहतर स्टेबिलिटी आपको एलिवेट किसी भी दिन नहीं दे सकती। रीज़न बीइंग गाड़ी का व्हील बेस बड़ा है, रीज़न बीइंग कि गाड़ी की जो पोजीशनिंग है वो इस तरीके की है कि गाड़ी आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसीलिए अगर आप देखें तो होंडा एलिवेट में मीटर, आपको इधर आओ, इधर से दिखाता हूँ। होंडा को अपना ये बेहतरीन IVTEC इंजन क्यों लॉक करना पड़ा, होंडा को इसलिए अपना इंजन लॉक करना पड़ा कि अगर ये उस प्रिस्क्राइब्ड स्पीड के ऊपर गाड़ी जाएगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए इसमें स्पीडोमीटर देखिए कितने का है, 220 दिख रहा है आपको। अब 220 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीडोमीटर आपको इसमें मिलता है, लेकिन होंडा एलिवेट 160 के बाद क्लिक कर जाती है। जबकि ये गाड़ी आपको, देखिए स्पीड मैं कभी प्रमोट नहीं करता था, ना कल करता था ना आज करता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि गाड़ी को किस तरीके से ट्यून किया गया है कि आपको पता ना चले और पैकेज अच्छा हो जाए। तो ये गाड़ी 200 प्लस भी जाती है, लेकिन आपकी होंडा एलिवेट 160 क्लॉक करते ही, 165 मैक्सिमम के बाद गाड़ी आपकी रेड लाइन हो जाएगी, यानी कि उसके ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ECU में RPM लॉक किए गए हैं। वो क्यों किए गए हैं, क्योंकि गाड़ी उसके बाद हाईली अनस्टेबल है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, स्टेबिलिटी का लॉस। सातवा पॉइंट, अब अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स जो होंडा सिटी में आज भी आते हैं होंडा एलिवेट में से हटा दिए गए हैं, लाइक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर आप बात करें TPMS होंडा ने हटा दिया है होंडा एलिवेट में से, लेकिन अगर आप होंडा सिटी की बात करें तो सिटी में आपको आज भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है आपकी सेफ्टी को लेके। आठवां पॉइंट, अब बात करते हैं थोड़ी सी सेफ्टी के बारे में। होंडा सिटी को एशियन एनकैप ने 2020 में जब ये गाड़ी आई थी तब 5-star रेट किए थे, लेकिन दैट वाज इन एशियन एनकैप, नॉट ग्लोबल एनकैप। तो अगर एशियन एनकैप ने दिए तो आई थिंक ग्लोबल एनकैप में भी बहुत आराम से 4-star तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अब यहाँ पे भी एलिवेट के साथ एक कैच है,
एलिवेट के साथ एक चीज़ कही गई है कि इट इज़ ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज सिटी, बट ना तो गाड़ी अभी तक टेस्ट हुई है कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और ना ही गाड़ी की कोई भी सेफ्टी रेटिंग अभी तक आई है. तो दिस इज़ जस्ट बेस्ड ऑन एन अजम्पशन. आई विश कि होंडा की एलिवेट के बारे में बेहतर रेटिंग्स आए. लेकिन अब आओ थोड़ी सी एक और बात बताता हूँ. ये टॉप मॉडल है, इसमें आते हैं 6 एयरबैग्स. ZX मॉडल सिटी का अभी भी जो है उसमें आते हैं 6 एयरबैग्स. अगर VX लेते हो तो आते हैं 4 एयरबैग्स. लेकिन यहाँ पे अगेन एक खेल है. खेल पता क्या है? अगर एलिवेट का ZX मॉडल लोगे तो मिलेंगे 6, लेकिन अगर VX मॉडल लोगे तो मिलेंगे 2. तो ये कैसा खेला है मेरे भाई. अब थोड़ा सा और पीछे आते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें अब दिखाता हूँ जिसे कहते हैं डिटेलिंग्स. यहाँ देखो, अगर आप इसे जिसे कहते हैं कि आना आमरेस मिलेगा विद कप होल्डर, और उसके साथ साथ ना आपको यहाँ पे कोई भी क्रूज कंट्रोल जैसी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी एलिवेट में. लेकिन अगर आप सिटी का मॉडल लोगे VX भी, तो आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा और आपको पीछे के लिए आपका ये आर्मरेस्ट विद कप होल्डर भी मिलेगा. ये हो गए 8 या 9 पॉइंट्स. अब आ जाते हैं, आओ एक और छोटी सी डिटेल दिखाता हूँ. एलिवेट का और सिटी के इंटीरियर्स को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर पाओगे. देखो क्यों. आप जरा इस गाड़ी के इंटीरियर्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. बहुत ही प्रीमियम लगने वाले इंटीरियर्स. और उसके साथ एक और चीज़, ज़रा इधर इस स्विच पे नज़र डालो, ज़रा इस स्विच पे नज़र डालो, दिख रहा है? और अब ज़रा एलिवेट के स्विचेस की तरफ ध्यान देना. तो उसमें ना प्रीमियमनेस, जो आप कहते हो ना कि आप एक प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो, एक प्रीमियम फील चाहिए, तो वो प्रीमियम फील आपको नहीं मिलेगी. इधर देखो, पीछे भी देखो, ऐसा ही सेम कुछ आपको पीछे भी देखने को मिलेगा. अब बहुत सारे भाई मेरे बोलेंगे कि यार ये कोई फीचर थोड़ी है, ये कोई, ये तो एस्थेटिक लुक्स हैं. तो देखिए, लुक्स की मैं सिर्फ आपको वो बेसिक्स बता रहा हूँ जो आपके साथ लोगों ने शेयर नहीं किए. उसके बाद थोड़ा सा और पीछे आते हैं तो ये देखो, यहाँ आपको मिलता है 503 या 10 लीटर का बूट स्पेस. लेकिन अगर आप इसी की जगह एलिवेट लेते हो तो आपको मिलेगा 453 या 458 लीटर का बूट स्पेस. और अब आज का सबसे बेहतरीन और आखिरी टिप जो मैं आप सबको दे देता हूँ, दे दूँ मेरे भाई, भारत सरकार यानी कि हमारा सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी जी प्रतिदिन देश की 18 किलोमीटर के सड़कें हाईवे बनाते चले जा रहे हैं. और उनका लक्ष्य ये है कि आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान में कोई भी हाईवे खराब नहीं रहेगा, किसी भी हाईवे पे गड्ढे नहीं होंगे. और अब जैसे आप देखिए, बहुत सारे हैं, जैसे दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे बनाया, लखनऊ आगरा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, उसके बाद आपका KMP एक्सप्रेसवे बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया. अब जब इन सड़कों पे गड्ढे ही नहीं हैं तो मेरे भाई सीडान चलाओ या SUV चलाओ और चाहे हैचबैक चलाओ, फर्क कहाँ मिलेगा. सरकार का दिन प्रतिदिन इस प्रकार से सड़कें बनाना, तो टेक्निकली स्पीकिंग आने वाले टाइम में गड्ढे तो रहेंगे नहीं. SUVs लेने के पीछे के जो रीजंस होते थे, वो रीजंस ये होते थे कि हमें बड़े पहिए की गाड़ी चाहिए, या कह सकते हैं बड़ी ऊंची गाड़ी चाहिए, फॉर अ सिंपल रीज़न कि गड्ढों से और कहीं भी जगहों से आसानी से मनूवर कर ले. लेकिन अब जब कुछ टाइम बाद सड़कें ही एकदम स्मूथ हो जाएंगी, तो मेरे भाई समझदार आप हो,
फ़ायदा तो मुझे लगता है इसी में होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अपनी करेक्ट व्हीकल को चूज़ करने में कुछ हेल्प मिलेगी इन छोटे छोटे पॉइंटर्स से। तो पैसे बचा के रखिए, पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हें सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर व्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।